ये देखिए फ्रेंड्स, आज न्यू आइडियल किचन में क्या नया बना है, नवरात्रा स्पेशल, वो भी बिना लहसुन प्याज के। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आज हमने बनाई सुपर टेस्टी और सुपर यम्मी सी रेसिपी। एक बार इसको ट्राई करना तो बनता है, मेरे कहने से एक बार आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। आप देख के तो समझ गए होंगे कि हमने आज क्या बनाया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, नरम, सॉफ्ट और एकदम से मुंह में घुल जाने वाले जो है दही बल्ले। मैं अभी आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर से डाल दिया हमने थोड़ा सा अदरक का लच्छा, काजू बादाम डेकोरेट करके डाले है पूरे। और अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना बढ़िया, कितना सॉफ्ट और कितना जालीदार ये हमारा जो है बना है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एक और तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, सुपर सॉफ्ट, सुपर जाली वाले ये जो हमारे दही बल्ले बने हैं। और अगर आपको भी ऐसे सुपर सॉफ्ट और जालीदार, मजेदार और मुंह में घुलने वाले दही बल्ले बनाने हैं तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दही बल्ले बनाना। जय माता दी दोस्तों, मैं सुनीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका न्यू आइडियल किचन में। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया और टेस्टी रेसिपी। जो लोग व्रत रखते हैं वो तो व्रत वाली रेसिपी खाते हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो बिना लहसुन प्याज का जो है खाना खाते हैं, उन्हें भी कुछ टेस्टी खाने के लिए चाहिए। तो आज बिना व्रत, जो लोग व्रत नहीं रखते उनके लिए एक मैं टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी बिना लहसुन प्याज के। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बिना लहसुन प्याज की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसका नाम है दही बल्ले। तो चलिए शुरू करते हैं दही बल्ले बनाना। ये फ्रेंड्स, दाल को हमने जो है पूरी रात सोख करके रखा था, तो ये देखिए काफी जो है सॉफ्ट हो गई। ये देखिए जैसे हम तोड़ रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से टूट रही है। जितना उसके आपको दाल को 5 से 6 घंटे तो भिगोना ही भिगोना है। अगर आप ओवरनाइट भी इसको सोख करके रख देंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें जो फर्मेंटेशन जो होगा इसको पीसने के बाद वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। ये देखिए दोनों दालों को हमने भिगो लिया। भिगोने के बाद भी जो पानी था उसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और अब हम इसको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। ये हमने पहले ली है उड़द की दाल, इसमें हमने पानी जितना हो सके बहुत कम डालना है, बस इतना ही कि जिससे ये पीस जाए, ज्यादा पानी का यूज हमने नहीं करना है। इसमें पहले हम उड़द दाल को पीस लेंगे और फिर पीसेंगे हम मूंग दाल को। ये देखिए फ्रेंड्स, एक दाल हमारी जो है पीस चुकी है, बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर हो गया इसका, इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम मूंग की दाल को भी मिक्सिंग जार में डाल के पीस लेते हैं। पानी का यूज हमें बहुत ही ज्यादा कम करना है फ्रेंड्स, नाम मात्र का। अब हम ये दूसरी दाल जो है जार में डाल लेते हैं और इसको भी पीस के तैयार कर लेते हैं। अब ये मूंग की दाल को भी हमने जो है मिक्सिंग जार में डाल लिया है, अब इसको भी हम पीस लेते हैं। ये देखिए, मूंग की दाल को भी हमने पीस लिया है। ये बिल्कुल बारीक नहीं पीसती फ्रेंड्स, हल्की दरदरी ये रहती है, हल्का जो है इसमें दरदरापन रहता है। दोनों दालों को कर लेंगे अब हम मिक्स, दोनों को कर लेंगे अब अच्छी तरह से मिक्स। एक ही साइड में हमें इसको घुमाना है, आप चाहे तो हाथ से कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये एक बहुत ही बढ़िया जो है स्पैचुला है, इससे बहुत ही अच्छी जो है मिक्स हो रही है। या फिर हाथ के इस हिस्से से आपको इसको ऐसे करना है जिसे इसमें अच्छे एयर बबल्स बन सके। लगभग 5 से 7 मिनट आपको इसको ऐसे ही फेंटना है। हमें इसको एक ही डायरेक्शन में जो है घुमाते हुए अच्छी तरह से दाल को जो है फर्मेंटेशन करना है इसकी दाल का, ताकि ये अच्छी फूल सके। ये देखिए, जितना हम इसको मैश करेंगे, फेटेंगे, उतनी ही दाल हमारी जो है बहुत अच्छी फूल के तैयार। ये देखिए, इसमें बहुत सारे जो है एयर बढ़ चुकी है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करना बताती हूँ कि आप इसको चेक कैसे करेंगे। आप ये थोड़ा सा ये जो है ये उठाएंगे एक पानी में ऐसे डाल के, ये देखिए ये जो है ऊपर तैर रहा है। इसका मतलब दाल जो हमारी परफेक्ट बल्ले बनाने के लिए तैयार है। ये देखिए, ये बल्ला हमारा बिल्कुल भी नहीं डूबा है, ऊपर तैर रहा है। दाल हमारी जो है परफेक्ट फेट के हो गई है तैयार। अब इसमें डाल देंगे हम कुछ अदरक के लच्छे, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें नमक। बस इतना सा ही हमने इसमें सामान डालना है, बाकी कोई भी इसमें हमने जो मसाले वगैरह का यूज नहीं करना है। बस ये देखिए, दाल हमारी जो है परफेक्ट इसका बैटर बन गया है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा ही हमें बैटर चाहिए, ये वाला। अब हम चलिए इसके बल्ले बनाने शुरू करते हैं। इधर हमने कढ़ाई में जो है रिफाइंड ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम थोड़ा सा पानी गुनगुना करेंगे अपने बल्लों को भिगोने के लिए। हम थोड़ा थोड़ा बैटर हाथ से उठाएंगे, उसमें
डालते जाएंगे। ये देखिए बल्ले हमारे कैसे जो है फूल के ऊपर आ रहे हैं, इट मीन्स ये बहुत ही ज्यादा जो है हल्के हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये बल्ले हमारे, ये देखिए कितने बढ़िया जो फूल गए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप थोड़ा नजदीक से देखिए। अब इनको ऊपर से थोड़ा सा ऐसे ऑयल डाल देंगे ताकि ये ऊपर से भी अच्छे जो है सिक जाए। ये हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें डाल देंगे हमें गुनगुना पानी। हमें गुनगुना पानी लेना है, ना ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी हींग। हींग से जो है दाल थोड़ी हैवी होती है तो हींग से डाइजेस्ट होने में जो है बहुत ही आसानी रहेगी। और हल्का सा डाल देंगे नमक। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया हमारे जो है बल्ले बनके तैयार हो गए हैं। इसको अलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल लग रहे हैं ना कितने बढ़िया ये बल्ले, ट्रांसपेरेंट जैसे कितने बढ़िया जो हमारे बल्ले बनके तैयार हुए हैं। अब मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ। देखिए इनका साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जैसा आपको पसंद हो वैसा कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी में डलने के बाद भी बहुत ही अच्छे जो है फूल के तैयार होंगे। अब हम जो है फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करेंगे और अब दूसरा बैच डाल देंगे। ये देखिए एकदम से ये फूल के बल्ले जो है ऊपर आ रहे हैं। ये हम सारे बल्लों को जो है पानी में डाल देते हैं। ये देखिए एक बल्ले को फ्रेंड्स मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने जालीदार बने। ये देखिए फ्रेंड्स कितने इसमें जालीदार और कितने बढ़िया ये बनके तैयार हुए हैं। इसको हम भीगने देते हैं जब तक हमारा दूसरा बैच बनके तैयार हो जाता है। ये हमने एक बाउल ले लिया है, बाउल में डालेंगे हम दही। दही हमने घर की जमी हुई ली है, आपके पास ना हो तो आप बाजार वाली भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी चीनी, क्योंकि हल्की मीठी होती है दही। 2 से 3 चम्मच हमने जो है चीनी डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी है। अब इसको हम एक विस्कर की सहायता से मिक्स करेंगे। दही को हमने बिल्कुल क्रीमी बना लेना है। आप चाहे तो इसमें रेडीमेड क्रीम भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम दही को ही क्रीमी वाला टेक्सचर जो है दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया क्रीमी जो है हमारी दही बनके तैयार हो गई है। ये देखिए सेकंड बैच के भी बल्ले हमारे जो है अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और हींग और नमक वाले पानी में डाल देंगे। बल्लों को जो है पानी में सोप करना है। ये देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया जो है हमारे बल्ले बनके तैयार हुए हैं। इनको भी हम निकाल लेते हैं और 10 मिनट के लिए इनको भी पानी में हींग और जो नमक का हमने पानी बनाया है उसमें भिगो के रख देंगे। बल्लों के लिए एक स्पेशल जो है मसाला तैयार करते हैं। इसमें डालेंगे हम 2 छोटी चम्मच काला नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 से 1.5 चम्मच, 2 चम्मच भर के भुना जीरा पाउडर। सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो इसमें होता है भुना जीरा पाउडर। हमने जीरे को भून के उसको जो है पीस लिया है मिक्सी में। 1 चम्मच सिंपल नमक, काली मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें चाट मसाला। सभी चीजों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और ये हमारा जो है मसाला बनके तैयार हो गया है। और इतना टेस्टी ये मसाला बना है फ्रेंड्स कि आप पूछे मत। इससे दही बल्लों का स्वाद जो है 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स बल्ले हमारे जो है साइज में डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने जो है पानी सोक कर लिया है। अब हम इससे से एक बल्ला निकालेंगे और इसको हल्का सा ऐसे हमने करना है और इसको हम एक बाउल में सर्व करके दिखाएंगे। अभी ऐसे ही हम सारे बल्लों को जो है सोप करके निकाल लेते हैं। बस हल्का सा ही करना हमने, ज्यादा नहीं करना। ये देखिए ये हम इसके ऊपर डालेंगे दही। दही काफी सारी जाएगी इसके ऊपर, क्योंकि दही बल्ले हैं, दही के बिना बल्ले अधूरे होते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे लाल वाली चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। अगर आपको नहीं बनानी आती तो आप उसमें से देख के इसको ट्राई कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जाएगी स्पाइसी सी चटपटी धनिए की चटनी, धनिए और पुदीने की। इसकी भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। अगर आपको देखनी है तो आप जाके ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। बनाया हुआ स्पाइसी सा टेस्टी सा मसाला। इसके ऊपर जाएंगे अनार के दाने, थोड़ा सा अदरक का लच्छा, थोड़ी किशमिश, थोड़े से जाएंगे काजू 2 से 3। और ये लीजिए फ्रेंड्स ये हमारी दही बल्ले की
जो प्लेट बन के तैयार हो गई है और इतनी टेस्टी और इतनी सुपर टेस्टी ये बन के तैयार हुई है कि आप पूछिए मत। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मुझे मौज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कीजिए। थैंक यू।